बिना कॉफी के सुबह, ये तो सारा दिन ही खराब कर देगी। क्या इंस्टेंट कॉफी खत्म है? ये तो बुरा हुआ। और कॉफी के साबुत दानों को पीसना इतना समय नहीं है, क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? ये लाइफ हैक इस्तेमाल करें। साबुत कॉफी के दानों को एक मग में डालें, इसमें ठंडा पानी डालें और एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दें। अब आपको बस इंतजार करना है, जो कि कॉफी के नशेड़ियों के लिए बेहद मुश्किल है। और वाह, कॉफी तैयार है। कितनी अच्छी खुशबू है। क्या आपने पार्टी के लिए काफी सारा सामान खरीद लिया? इसे आप अपने हाथों में भी समेट नहीं पा रहे, और इसे हम रखे भी कहाँ पर? हमारे पास तो टेबल तक नहीं है, पर हमारे पास एक आइडिया है, ग्रे माउंटिंग टेबलिंग। कैसा हो अगर आप केले को दीवार पर टेप से लगा दें? क्यों नहीं, ये काफी अच्छा और फैशनेबल होगा। बाकी की चीजें भी दीवार पर ऐसे ही लगा दें। वैसे ये ग्रोसरी वॉल सिर्फ खाने वाली दीवार ही नहीं, बल्कि पार्टी के लिए एक अच्छी सजावट भी है। अब समय है मजे का, और अब देखें इन भूखे कलाकारों की ये परफॉर्मेंस। क्या तुम्हें भूख लगी है? तो अपने सामने की दीवार से ले लो। चलो भी, अपनी मदद खुद करो। सर्दियों में कफ जीन्स का कोई मेल नहीं, पर आप कर भी क्या सकते हैं, फैशन तो राजा है। मुझे तुम्हारी ये खुली एड़ियां देखकर और भी ठंड लग रही है। देखो तुम्हारी त्वचा ठंड से लाल भी हो रही है। मैं अभी इन्हें ठीक करती हूँ। आपको चाहिए एक स्कार्फ और एक कैंची। स्कार्फ को दो टुकड़ों में काटे और अब इसे लंबाई में काटे। पॉम्पॉम्स को भी काटे। स्कार्फ के धागे ना निकले, इसलिए इसे किनारों से सिल दें। धागे को इस तरह से खींच कर इकट्ठा करें। पॉम्पॉम्स को सिलें। अब ये बन गए दो प्यारे से स्कार्फ। इसे अपने दोस्त को पेश करें। बस इन्हें अपनी एड़ियों पर लपेट लो और गर्माहट और सुकून का आनंद लें। पैरों के स्कार्फ काफी अच्छे दिख रहे हैं। और सबसे अहम, इस तरीके से आपको ज्यादा गर्माहट मिल रही है। डॉग के साथ सेल्फी, हाँ कितनी प्यारी है। हाँ ये अच्छी लगेगी अगर तुम इसे कैमरे की ओर देखने को कहोगी। पर कैसे? मुझे एक तरीका पता है। मीट का पतला पीस ले, इसमें से एक छोटा रेक्टेंगल काटे। मीट को फोन के पीछे लगाए। हाँ ना, ये लड़कियाँ मुझे कुछ खिलाना चाहती है। अब पपी सीधा लेंस पर ही देखेगा। बहुत बढ़िया। और फोटोशूट के बाद आप इस मॉडल को खिला सकती हैं। मूवी देखते हुए चिप्स खाना, यम्मी। पर धीरे धीरे परेशानी बढ़ने लगती है। इन्हें निकालना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे हाथ फंस रहे हैं और ग्रीसी हो रहे हैं। पर हमारे पास इस परिस्थिति के लिए एक बहुत ही बढ़िया लाइफ हैक है। एक पेप्सी का कैन और एक ट्यूब ले। कैन को उसके तले के थोड़ा ऊपर से काटे। एक चुंबक ले। चुंबक को तले पर हॉट ग्लू से चिपकाए। इस पीस को जार में डाले। चुंबक का एक और पीस लें और आप इस तरह से अंदर वाले तलों को आसानी से ऊपर नीचे कर पाएंगे। खाना आ गया। चिप्स मेटल के एलिवेटर से आ रहे हैं। ये तो जादू लगता है। कोई जादू नहीं, बस फिजिक्स है, चिप्स के प्रेमियों के लिए। कम रोशनी में अच्छा मेकअप करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर आपकी नज़र भी कमजोर हो तो ये नामुमकिन जैसा होता है। हाँ ये इतना अच्छा नहीं हुआ। परेशान मत हो, हम इसके लिए कुछ करेंगे। एक मोटे गत्ते की शीट लें और इस पर मेकअप वाला शीशा रखें। पेंसिल से इसका आकार बनाएं। एक और बड़ा सर्कल बनाएं। सर्कल को काटें। और आपको चाहिए होगी पॉकेट एलईडी फ्लैश लाइट। इसे सर्कल पर रखें और पेंसिल से ट्रेस करें। ऐसे ही चार और सर्कल बनाएं ऊपर के आधे रिंग पर। इन्हें आउटलाइन के अनुसार काटें। इस पर मेटलिक स्प्रे पेंट लगाएं। अब शीशे को हॉट ग्लू से चिपकाएं और फ्लैश लाइट्स को इन गोलों में लगाएं।
आपको मिल गया एक लाइट्स वाला टेबल मिरर। ये कितना शानदार है, ऐसा तो असल के मेकअप प्रो इस्तेमाल करते होंगे। जगलिंग करना कोई आसान काम नहीं, मैं अपनी ट्रिक्स को रिकॉर्ड करना चाहती हूँ और सोशल मीडिया को अपने नए टैलेंट से चौंकाना चाहती हूँ। हाँ, ये साइड से इतना अच्छा नहीं दिख रहा, इसके एंगल को क्या हुआ? क्या ये कोई सर्कस है? मुझे यकीन है कि ये फोटो खींचने वाले के हिलते हाथों की वजह से हुआ है। पर एक तरीका है, एक पेपर कप और छुरी ले, इसके तलों को काटें, बीच में से एक स्ट्रिप काटें, ये बन गया एक रेक्टेंगुलर छेद। अब आपको चाहिए एक डिस्पोजेबल प्लेट और एक हॉट ग्लू गन। प्लेट को उल्टा करें और इस पर कप चिपकाएं। एक खूबसूरत फोन स्टैंड तैयार है। ये घर पर बना ट्राइपॉड आपके इंस्टाग्राम पर डालने के लिए ढेर सारी वीडियोस बनाने में मदद करेगा। आप प्लेट को टेबल पर बिना वीडियो खराब किए हिला सकते हैं। ये काफी अच्छा है, एक बहुत ही बढ़िया तरीका है अपनी स्टोरी को अच्छा बनाने का। स्नैक्स खाना चाहोगी? आज हमारे पास मेन्यू में क्या है? ब्रेड, एवोकाडो, आह, और स्वादिष्ट सैंडविच। पर ये क्या है? मेरी दोस्त ने आज लंच में डिओड्रेंट खाने का सोचा। डिओड्रेंट की खाली शीशी और एक एवोकाडो ली। एवोकाडो को मैश करें। शीशी में इस हरे मैश को भरी। हो गया। ढक्कन को खोलें और ब्रेड पर ये पेस्ट लगाएं। सैंडविच तैयार है। और एवोकाडो को ताजा रखने के लिए ढक्कन को वापस लगा दें। ये आसान और स्वादिष्ट है। क्या आप अपने दोस्त के साथ चाय पीने जा रहे हैं? ये तो काफी अच्छी बात है। आउच, ये कितनी गर्म है, हम क्या करें? और इतना समय नहीं कि हम इसके ठंडे होने का इंतजार करें। अब चलने का समय है। वैसे मेरे दोस्त के पास ऐसी परिस्थिति के लिए कुछ खास कप्स हैं। एक प्लास्टिक कप और एक सक्शन कप लें। कप के तले के बाहरी हिस्से पर हॉट ग्लू लगाएं। इस पर सक्शन कप को चिपकाएं। ऐसा ही दूसरे कप के साथ भी करें। हो गया। अब कप्स को कार की छत पर लगा दें। गर्म चाय वाले पेपर कप्स को अंदर डालें। कार स्टार्ट करें और चलें। थोड़ी सी दूरी पर ही चाय ठंडी हो जाएगी और जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, इसका तापमान पीने लायक होगा। घर से बाहर निकलने के बाद याद आना कि आप अपनी चाबियां घर पर भूल गए हैं। ये माफी का नियम है और घर वापस जाना अच्छा नहीं माना जाता। आपको अपना पूरा जोर लगाकर चलाना होगा और अपने दोस्त को कहना होगा कि वो खिड़की से चाबियां फेंक दे। वैसे आप इसमें थोड़ा मजा भी कर सकते हैं। चाबियों को जिप लॉक बैग में डालें और उन्हें गुब्बारों के गुच्छे में लगा दें। आपकी चाबियां सीधी आपके हाथ में आ जाएंगी और रंगीन गुब्बारे आपको खुश कर देंगे। कितना बढ़िया तरीका है। जैसा कि आप जानते हैं, मेकअप की चीजें जरूरत के समय पर ही खत्म हो जाती हैं। मेरा मनपसंद फाउंडेशन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे धोखा देगा। मैं अब क्या करूं? स्टोर पर भागूं? तुम घबराओ मत, तुम्हें चाहिए होगा फेस लोशन और इंस्टेंट कॉफी। एक छोटे कटोरे में थोड़ा सा लोशन डालें, लकड़ी की डंडी से कॉफी ऊपर डालें, इसे मिलाएं। ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, घर का बना फाउंडेशन। वाह, जरूरी चीज ये है कि ये अपनी जगह पर अच्छे से फैल गया और आप जो खरीदते हैं उसकी जगह ले ली। आपको चाहिए होगा एक नहाने वाला स्पॉन्ज और साबुन इस लाइफ हैक के लिए। स्पॉन्ज को खोलें और इसमें से साबुन के लिए एक पीस काटें। साबुन को नेट में डालें, इसे रस्सी से बांधें, फालतू हिस्सा काटें, एक चिपकने वाली हुक टॉयलेट के किनारों पर लगाएं, इस पर रस्सी लगाएं और साबुन को टॉयलेट के अंदर लटका दें। हर फ्लश के बाद टॉयलेट पर साबुन की थोड़ी झाग आ जाएगी।
और इसे साफ रखना काफी आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे स्नैक, तुम इतने दूर क्यों हो? ओ, मुझे सोफे से उठना बहुत बुरा लगता है। ये बहुत ही बढ़िया खोज है, सोफे पर बैठकर चिप्स खाने की। आपको चाहिए होगा एक गत्ते का पीस, एक घड़ी के रबर वाली स्ट्रैप और एक प्लास्टिक का कटोरा। गत्ते में से कटोरे के तले के आकार का कोला काटें। रबर वाला स्ट्रैप उस पर हॉट ग्लू से लगाएं और अब कटोरे के गत्ते से चिपका दें। इस पीस को अपनी कलाई पर पहनें। आपका एंटी फिटनेस ब्रेसलेट तैयार है। अब आपके स्वादिष्ट स्नैक्स हमेशा आपके पास ही होंगे। बहुत ही बढ़िया। और आखिरी पर बेकार नहीं, एक बढ़िया सा विंटर लाइफ हैक। ठंडे बिस्तर पर जाने का दिल नहीं कर रहा, कैसा रहेगा अगर मैं चादर पर गर्म आयरन करूं? आप देखना, इस लाइफ हैक के बाद आपका ठंडा बिस्तर भी कितना गर्माहट और आरामदायक हो जाएगा। मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं। क्या आपको हमारे अजीबोगरीब लाइफ हैक्स पसंद आए? किस आइडिया को आप इस्तेमाल करने के लिए रुक नहीं पा रहे? हमें कमेंट्स में बताएं और भूले नहीं वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें